हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लास सेकंड टुडे वी शॉल स्टडी द चैप्टर थ्री ऑफ एनवायरमेंटल बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क माय ऑर्गन्स डू हमारे अंग कार्य करते हैं अबर बॉडी इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड नेचर हैज़ अजाइन डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विच यू विथ अवर टीथ सी विथ अवर आइज हियर विथ अवर ईयर्स फील विथ अवर स्किन एंड वॉक विथ अवर लेग्स एंड सो ऑन हमारा शरीर ईश्वर की अद्भुत रचना है प्रकृति ने अलग अलग शरीर के अंगों को अलग अलग कार्य सौंपे हैं हम अपने दांतों से चबाते हैं अपनी आँखों से देखते हैं अपने कानों से सुनते हैं अपनी त्वचा से महसूस करते हैं और अपने पैरों से चलते हैं ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इफ बी नेगलेक्ट एंड बॉडी पार्ट देन द होल बॉडी सफर्स शरीर के सभी अंग एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं यदि हम किसी एक की उपेक्षा करते हैं और वह शरीर का हिस्सा है तो पूरा शरीर बेकार है या कोई काम का नहीं है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे ऑर्गन क्या क्या काम करते हैं लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर वी हैव मैनी ऑर्गन्स हमारे कई अंग हैं दे डू डिफरेंट फंक्शंस वे अलग अलग कार्य करते हैं माई हैंड्स कैन पिक थिंग्स टच थिंग्स होल्ड थिंग्स राइट ईट एंड कैन डू मैनी अदर थिंग्स मेरे हाथ कोई भी वस्तु उठा सकते हैं वस्तु को छू सकते हैं वस्तु को पकड़ सकते हैं लिख सकते हैं खा सकते हैं और कई अन्य चीज़ें कर सकते हैं माई लेग्स हेल्प मी इन वॉकिंग रनिंग किकिंग डांसिंग एटसेट्रा मेरे पैर मुझे चलने में मदद करते हैं दौड़ने में पैर मारने में नाचने में और भी बहुत सारे काम करने में मदद करते हैं माई माउथ कैन स्पीक ब्लो एंड ईट मैं अपने मुँह से बोल सकता हूँ या और फूक भी मार सकता हूँ हम अपने मुँह से किसी भी वस्तु को फूक मारकर उड़ा सकते हैं और खा सकते हैं Do you know that eyes, ears, tongue, nose are called the sense organ? क्या आप जानते हैं कि आँख नाक जीप कान हमारी सेंस ऑर्गन है My eyes see things. मैं मेरी आँखों से किसी भी वस्तु को देख सकती हूँ जैसे कि सन हुआ मून बुक टेबल हाउस कोई भी चीज हो कोई भी सामान हो हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं माई ईयर्स हियर डिफरेंट साउंड मेरे कान अलग अलग आवाजें सुन सकते हैं जैसे कि हमें कोई बुलाता है अपना नाम लेके तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं चिड़ियों की आवाज़ को भी सुन सकते हैं कोई भी साउंड हो म्यूजिक हो हम उस सभी को इसके द्वारा सुनते हैं अपने कानों के द्वारा सुनते हैं माई टंग टेस्ट स्वीट विटर सॉल्टी स्वर एक्सेट्रा मेरी जीप का स्वाद मीठा कड़वा नमकीन खट्टा मीठा आदि है जब आप लोग मिठाई खाते हो तो आपको उसका स्वाद कैसा लगता है मीठा लगता है तो मिठाई कैसी होती है स्वीट होती है बिटर कड़वा करेला खाया है आप लोगों ने तो उसका टेस्ट कैसा रहता है कड़वा रहता है सॉल्टी शोर मींस खट्टा इमली कैसी रहती है खट्टी रहती है तो इन सब चीज़ों का टेस्ट हमें किस चीज़ से मालूम पड़ता है अपनी टंग से मालूम पड़ता है माई नोज़ स्मेल मैं मेरी नाक से किसी भी वस्तु की गंद खुशबू को महसूस कर सकती हूँ जैसे कि परफ्यूम जब कोई परफ्यूम डालता है तो अपन को दूर से ही स्मेल आ जाती है कि ये परफ्यूम लगाएँ ये सब्ज़ी बनती है तो सब्ज़ी की खुशबू आती है फ्लावर्स की खुशबू आती है तो हम किस चीज़ से सूंघ सकते हैं हमारी नाक के द्वारा नोज से हम किसी भी स्मेल को सूम सकते हैं रिवीजन आई एम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी डू डिफरेंट फंक्शन शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग कार्य करते हैं आईज इयर्स नोज टंग आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन आंख नाक कान जीभ सेंस ऑर्गन कहलाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट कैन आवर हैंड्स डू हमारे हाथ क्या करते हैं

राइट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट आइस कैन हीयर थिंग्स आइस से क्या हम सुन सकते हैं फॉल्स आइस से तो हम देख सकते हैं लेग्स कैन किक थिंग्स पैरों से हम किसी भी चीज़ को मार सकते हैं ट्रू माउथ कैन स्पीक एंड ईट मुंह की मदद से हम बोल सकते हैं और खा सकते हैं ट्रू ईयर्स हैंड्स फिंगर्स एंड टूस आर आवर सेंस ऑर्गन कान हाथ उंगलियां और पैरों के पंजे हमारे सेंस ऑर्गन हैं फॉल्स हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं आइस ईयर नोज टंग ये क्या है हमारे सेंस ऑर्गन है थैंक यू